हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आरुग्रसे में आप लोग का स्वागत है। आज देखिए कितना अच्छा दिन हुआ है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। सुबह के 4:05 हो रहा है। अभी पूरी तरह से उजाला नहीं हुआ है, थोड़ा अंधेरा है। तो मैं 3 प्याज ले ली हूँ। हुआ यूँ कि आज सब्जी में कोई सब्जी नहीं दिख रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आज प्याज की सब्जी बनाऊँ, और बहुत ही कम समय में बन जाएगा ये। तो ये सब्जी बहुत ही अच्छा लगता है, आप इसको रोटी पराठा पाव चावल के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये बनाना बहुत ही आसान है। तो 3 मैंने प्याज ली है, उसको मैं चॉप कर लूँगी, और एक प्याज जो है उसके सेल को अलग अलग कर लेंगे इस तरह। देखिए सभी 3 प्याज को मैंने चॉप कर ली है, एक प्याज के सेल को ऐसे अलग अलग करके रख लेंगे। अब ये तैयार है, बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, चॉपिंग में टाइम लगती नहीं है, जल्दी जल्दी चॉप हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, हाथों की सहायता से इसको प्रेस करते हुए एक एक सेल को अलग कर लेंगे, ऐसे होने चाहिए। देखिए इधर मैंने फ्रेश दही ली है, उसको विस्कर की सहायता से फेंट कर रख देंगे। वो खट्टा नहीं होनी चाहिए, दही इसमें खट्टा नहीं होनी चाहिए, खट्टी दही का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना कीजिएगा, नहीं तो ये रेसिपी उतना अच्छा नहीं लगेगा। एकदम फ्रेश दही लीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस में। मैंने गैस पर पैन चढ़ा दी है, उसमें सरसों का तेल डालेंगे 1 बड़ी चम्मच। तेल थोड़ा धुआँदार लाल हो जाए तो साबुत जीरा डाल देंगे, लाल मिर्च 2 डाल देंगे, राई डाल देंगे और थोड़ा चटकने देंगे, और 1 तेज़पत्ता डाल देंगे। थोड़े से फ्लेवर इसके बहुत ही सुगंधित हो जाएंगे। तेज़पत्ता ऑप्शनल है, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं प्याज जो है चॉप की हुई थी उसको ऐड कर दूंगी। इसको थोड़ा सॉफ्ट कर लूँगी कुकर चलाकर। तो प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो चुका है, तो उसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, और सब्जी मसाला 1/2 आधा चम्मच, और 1/3 के हिसाब से धनिया पाउडर डालेंगे इसमें, और देगी मिर्च 1/2 के हिसाब से 1 छोटी चम्मच उसके हिसाब से डाल देंगे। अब सभी को डालकर इसमें मिला देंगे। थोड़ा सा प्याज हमको और सॉफ्ट करना है कि थोड़ा सा प्रेस करने लायक रहे, इसको एकदम लाल नहीं करना है। 2 मिनट इसको ढक देते हैं, देखिए कितने अच्छे कलर आए हुए हैं। अब इसको चला देते हैं, देखिए सॉफ्ट भी हो गया है, चलाने से ही लग रहे प्याज हमारे अच्छे से भुना चुके हैं। तो इसमें जीरा पाउडर ऐड कर देंगे, जीरा पाउडर 1/2 चम्मच डाली हूँ, इससे इसके स्वाद बहुत ही अच्छे आते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अब सभी मसाले और प्याज अच्छे से भुना चुके हैं। प्याज को पूरी तरह से लाल नहीं करना है, बस इतना करना है कि प्याज पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, और दही जो विस्कर की सहायता से फेंटे हुए थे उसको इसमें डाल देंगे। और मैंने 1 बड़ी चम्मच जो है कसूरी मेथी ली है, हाथों की सहायता से क्रश करके इसमें मिक्स कर देंगे, और इसको कुछ देर चला देंगे, पूरी तरह से मिक्स हो जाए, सारी चीज़ें एक दूसरे से लटपट हो जाए। और ये तैयार है, देखिए कितने स्वादिष्ट बने हुए हैं। अब इसको चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ, और मैं इसको खाऊंगी पाव के साथ। अब क्या करेंगे, इसको गार्निश कर देंगे। गार्निश करने के लिए मैंने बूंदी का प्रयोग किया है, 1 से 2 चम्मच के आसपास मैंने बूंदी ले ली है, बेसन की बूंदी जो होती है उसको ले ली है, इसमें डाल के मिक्स कर देंगे। इसके स्वाद बहुत ही और भी अच्छे लगेंगे। और इसको रखते हैं साइड में, इधर पैन चढ़ा देते हैं, पैन को मैंने धुल ली है, थोड़ी सी बटर डालेंगे। बटर को डालने के बाद मैंने 1 पाव ली है, उसको 2 भाग में डिवाइड करके चॉप कर लेंगे, देखिए इस तरह इसको काट लेंगे। अब इसको दोनों तरफ से सेक लेते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। आप इस सब्जी को किसके साथ खाते हैं, अक्सर हम लोग तो इसी के साथ खाते हैं,
अगर आपके पास पाव है तो इसी के साथ ही ट्राई करिएगा, अगर नहीं है तो पराठे रोटी या चावल के साथ भी आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरह उलट पलट करके इसको हम सेक लेंगे। देखिए बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है और अच्छा भी लग रहा है देख कर ये। तो ये तैयार हो चुका है। अब हस्बैंड आए हैं अपने ड्यूटी से और क्या है कि वो बल्ब ख़राब हो गया, उसकी सोल्डिंग कर रहे हैं। तो बैठे हुए हैं, उनको भूख लगी ही है तो उन्होंने कहा बना दो, तो मैंने कहा ठीक है बना के दे देती हूँ आपको। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है, इतनी कम टाइम में जल्दी से बन भी जाए। अब बच्चे हैं, जब भी ये खाते पहले बच्चों को ही खिलाते हैं। बच्चे इनके आज से इतने इंटरेस्टेड होते हैं कि पापा कब मुझे खिलाएं। और ये जो है देखिए, बड़े वाले उठ के पहले आ गए, पापा मुझे दे दो। और ये देखिए इनकी तारीफ़, तो ये इस तरह खा रहे थे। देखिए साइड में कितने वायर रखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। बाय माय व्यूवर्स।